Good morning, children. How are you all? I hope you are very well, children. Children, today we will be doing our reader book of chapter 2, The Bubble, the Straw and the Shoe. इस स्टोरी के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं पहले. अब लास्ट क्लास वी हैव डन एक्सरसाइज टिक द करेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अपन ने टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए थे. तो टुडे वी विल डूइंग आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक्सरसाइज है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट द क्वेश्चन दैट फॉलो. आपको क्या दे रखा है, पैसेज दे रखा है, उसमें से आपको क्या फील करना है, आंसर्स ढूंढने होंगे कि इसमें आंसर कहाँ मिलेंगे. तो आपको पैसेज को रीड करना है और उसमें आंसर्स ढूंढने हैं. मैंने आंसर्स आपको लिख दिए हैं ब्लैक बोर्ड पर, राइट डाउन कर दिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 11, रीड द पैसेज. व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रो इट ड्रॉप्ड. जब शू उसके ऊपर गिरा, इसके ऊपर स्ट्रॉ के ऊपर, तो स्ट्रॉ क्या हुई, टूट गई. रोप में टूटना, स्ट्रॉ क्या हुई, टूट गई. द शू फैन इन टू द वॉटर एंड लाउड स्प्लैश. जब मतलब शू जब वो स्ट्रॉ पानी में गिर के मतलब टूट, जब वो उसके ऊपर चढ़ा था तो टूट गई थी. टूटने के बाद क्या हुआ, जब वो जूता शू उसके पानी में नीचे गिर गया. नीचे गिरने से क्या हुआ, एकदम से पानी ऊपर आ गया. ऊपर आने से क्या हुआ, बहुत तेज जोर से चीटे आने लगे. लाउड स्प्लैश में जोर जोरदार चीटे आए, इससे पानी. द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग. और जो बबल था वो वहीं खड़े होकर ये चीज को देख रहा था, मतलब देख रहा था कि एक बड़े धमाके के साथ, एक बड़ा धमाका ही हुआ था. जब वो नीचे पानी में गिरा तो एकदम से आवाज आई और क्या हुआ, नीचे पानी पानी के जोरदार चीटे. उस चीज को देख के बबल क्या कर रहा था, हंस रहा था. कौन हंस रहा था, बबल. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ऑन हूम डिड शू जंप. किसके ऊपर उछला था जूता, किसके ऊपर उछला, स्ट्रॉ के ऊपर. आंसर इज स्ट्रॉ, एस टी आर ए डब्ल्यू, राइट आंसर इज स्ट्रॉ. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्ट्रॉ ब्रेक. हाउ डिड मतलब स्ट्रॉ कैसे ब्रेक हुई, कैसे ब्रेक हुई मतलब कैसे टूटी, जैसे टूटी. व्हेन आंसर इज व्हेन द शू जंप ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक. जब कौन शू उसके ऊपर जंप हुआ, उसके ऊपर कूदा तो क्या हुई, जब वो स्ट्रॉ ब्रेक हो गई, मतलब टूट गई. क्योंकि जंप में कूदा, उसके ऊपर कूदा तो क्या हुई, टूट गई. थर्ड क्वेश्चन आंसर्स द बबल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन द शू फेल इन द वाटर. जब बबल बबल जो बाहर पड़ा था, क्योंकि शू किसके ऊपर, किसके ऊपर कूद गया था, स्ट्रॉ के ऊपर था, शू कूद गया था. बबल क्या कर रहा था, इस चीज को देख रहा था बाहर खड़े होके. तो वो क्या कर रहा था, अल्लाह हंस रहा था कि रो रहा था, क्या कर रहा था, वो हंस रहा था. तो आंसर क्या, फॉल्स. फॉल्स मींस रॉन्ग. ये द बबल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन द शू फेल. जब बबल उसके ऊपर गिर, मतलब शू उसके ऊपर गिरा तो पानी में गिरा तो बबल क्या कर रहा था, हंस रहा था, रो नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था, हंस रहा था. Fourth is there was a loud splash when the shoe fell into the water. जब shoe पानी के अंदर गिरा तो था क्या आए, था जोरदार छींटे आए इसके पानी के. Fifth is write the opposite of small from the passage. Small means छोटा. आपको इस passage में से क्या बताना है कि small, small means छोटा. छोटे को, छोटे का opposite क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, big, big means बड़ा. Students, your next exercise is answer the following questions. Answer the following question. Now, question number 1 is name the three friends. Name the three friends. आपको three friends कौन-कौन से story में क्या नाम था उनका, three friends का. Bubble, straw and shoe. Answer is bubble, straw and shoe. Okay. Now, second question is where did they go one day? देखो एक दिन वो कहाँ गए, forest में. कहाँ गए? आंसर इज फॉरेस्ट में. कहां, जंगल में. फॉरेस्ट मींस जंगल, F O R E S T, फॉरेस्ट मींस जंगल. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड दे वांट टू डू. वे क्या करना चाह रहे थे, क्या करना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे. आंसर इज दे वांट क्रॉस टू रिवर. वो उस रिवर को यानी नदी को पार करना चाहते थे. कौन चाहते थे, बबल स्ट्रॉ एंड शू. तो चिल्ड्रन योर कंप्लीट योर चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. टुडे इज वर्क इज answer the following questions in your notebook, in reader notebook. Okay, thank you.